ગત રોજ પદ્માવતી શોપિંગ સેન્ટર પાસે બુલાડને લઈને પુનઃ અકસ્માત સર્જાયો હતો. અમદાવાદ પાર્સિંગની ટેક્સી ધડાકાભેર બુલાડ સાથે અથડાતા લોકોના ટોળે ટોળા એકઠા થઈ ગયા હતા, જેમાં ગાડીને વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન થયું હતું. अहमदाबाद से पैसेंजर लेके और ये मतलब जो हिसाब से यहाँ पे रोड के ऊपर इन लोगों ने तंबले डाल के रखे कॉरपोरेशन ने, तो यानी अनबिलीवेबल. यानी इंसान अगर नया है आ रहा है तो उसको पता ही नहीं होगा कि मेन रोड के ऊपर इतने कम डिस्टेंस के अंदर ऐसे तीन तीन तंबले डाल के रख दिए. यानी ये कितना मेरी गाड़ी का नुकसान यहाँ पर तुम देख सकते हो. कम से कम ये आगे का पूरा भाग जो है लेफ्ट साइड का पूरा डैमेज हो गया. अभी अपना पूरा मतलब रोजी रोजगार सब इसके ऊपर ही चलता है. अपने रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले, अभी 15 दिन गाड़ी पड़ी रहेगी, करने का क्या? कॉरपोरेशन थोड़ी अपना पूरा करने के लिए आएगी. उल्टा वो तो उसको ब्लेम करो तो वो अपने पे सब डालेगी कि तुम क्या कर रहे थे, देख के चला रहे थे. नहीं, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि यानी देख के चला तो भी रास्ते के बीचों बीच में, यानी मेरे अलावा पता नहीं यहाँ पे आजू बाजू वालों ने बताया कि कितने लोगों को ये एक्सीडेंट हुआ है. मेला पहला नहीं है, 5-7 एक्सीडेंट हो चुके हैं. तो यानी यहाँ की कॉरपोरेशन को ये चीज़ के लिए तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए. ये तो ऊपर वाले का कर्म है कि इसके अंदर कोई लगा करा नहीं या चोट नहीं आई. अगर चोट बोट आई होती तो जान माल का नुकसान क्या क्या कर सकते हैं लोग. मैं आ रहा हूँ अहमदाबाद से. और कहाँ जा रहे? मैं जा रहा था बड़ौदा, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर मेरा पैसेंजर था, उनको ड्रॉप करने जा रहा था मैं. इंजरी है वो अंदर, जो मेरे पैसेंजर बैठे थे उनको एकदम जोर से झटका लगा तो उनको मतलब पैर के घुटने के भाग में दर्द थोड़ा हो रहा है. बाकी ऐसे कोई अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई इंजरी नहीं हुई है. बाकी मेरा नाम फारूक शेख.